हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग से में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए शॉर्ट सेलिंग की एक और वीडियो लेकर आया हूँ, तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। दोस्तों, इससे पहले आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हमें अच्छे और हमारे वीडियो हैं इसमें और भी अच्छे अच्छे जिसको आप देख के तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को। दोस्तों, मैं आज आपको जो स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ वो चार्टिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू स्कैन होकर आती है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो स्कैन का हैं 12 अगस्त को 9:25 पे। तो इसमें क्या देखना है मैं आपको ये बताता हूँ। इसमें स्ट्रेटजी जो है 9:25 को आई, तो इसमें ये देखना है कि इसमें जो स्ट्रेटजी ये है कि पहले दिन का जो लो है उसको भी ये कैंडल ब्रेक करती है, और फर्स्ट जो 5 मिनट की कैंडल बनती है उसको भी ब्रेक करती है। तो ये प्रीवियस डे का लो है, इसको भी देखो, इस कैंडल ने ब्रेक किया यहाँ पे 9:25 की कैंडल ने यहाँ पे, ये जो है। और जो फर्स्ट मिनट की जो कैंडल बनती है यानी इससे पहले वाली, इसके इसके ग्रीन से पहले वाली है जो 15 बनी थी, इसको भी इसके भी लो को इसने ब्रेक किया। तो इसमें यही स्ट्रेटेजी है, इसी की बेस पे ये स्टॉक फाइंड होके आता है। तो हम इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये 9:25 पे सिग्नल दिया कि हाँ इसमें ब्रेकआउट आने वाला है दोनों तरफ, तो ये इसमें फिर ये प्रीवियस डे लोगों को भी इसने ब्रेक किया, और ये देखिए यहाँ पे यहाँ तक फॉल आया इतना। इसमें ये फिर थर्ड कैंडल जब आता है इसमें सिग्नल कि हाँ भाई ब्रेक ब्रेक आने वाला, तो इसका जो नेक्स्ट कैंडल है उस पर आप इसे ले सकते हैं। जैसे इसका हाई प्राइस था 25.2572.95, इस पर आप ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप ब्रेक वो करते हैं लो पे 25.20 पे, 25.20 और 25.2, जिस पर अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता है आपको। मैंने कहा था आपको 25, ये इसका हाई 25.2, तो ये मान लीजिए तकरीबन 1.5 रुपये का आपको प्रॉफिट होता एक शेयर पे। इसका उतना ही प्रॉफिट ना कैप्चर कर पाते, तो इसका आधा भी करते तो अच्छा 25 रुपये आराम से कैप्चर कर पाते इस स्टॉक में जो ब्रेकआउट आया। और दोस्तों, फिल्टर के एक ये इस स्कैनर की खास बात ये है कि इसमें आपको स्टॉक काफ़ी कम ही सजेस्ट होकर आएंगे, क्योंकि स्ट्रेटजी काफ़ी यूनिक बहुत ही कम उसमें बनती है, तो ये काफ़ी कम स्टॉक्स में आपके लिए बन के आएंगे, इसके बेस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए हम आपको अब दूसरा स्टॉक दिखाते हैं। ये ब्रिटेनिया का स्टॉक है, तो इसमें ये है 9:25 वैसे भी सिग्नल मिला था, तो ये है 9:25 का सिग्नल। ये तो इससे पहले कैंडल ग्रीन बनी होनी चाहिए, ये कंडीशन है, और उससे पहले वाली रेड बनी होनी चाहिए। और जो ये कैनल रेड बनी होगी, जो कैनल रेड बनते हैं उसका फिर ग्रीन बननी चाहिए, ताकि इसे पता चलता है कि ये ब्रेकआउट में भी ठहराव हो रखा है। पहले तो ये कैनल ब्रेकआउट करेगी, फिर थोड़ा ठहराव देगी, उसके बाद ये तीसरी कैनल है जो 9:25 चली, वो कन्फर्मेशन हमें देगी कि हाँ ये ब्रेकआउट रियल में होने वाला है। तो इस तरह से फिल्टर स्कैन होकर आएगा, और जो प्रीवियस डे का लो पॉइंट जो ये ड्रॉ है लाइन, इसको भी ब्रेक करके तीसरी कैंडल बताती है कि हाँ अब ब्रेकआउट हो चुका है। तो इसमें फिर ब्रेकआउट आता है, तो फिर ये फिर नेक्स्ट कैंडल पे आप ये लेते हैं इसमें आई पे 36.29 पे, तो ये लो तक यहाँ तक गया, तुरंत ही मिल जाता है प्रॉफिट 36.08, तो इसमें भी कुछ प्रॉफिट मिल जाता है आपको आराम से। अब दोस्तों, इसमें आप ये सोचेंगे इसमें स्टॉप लॉस हम क्या रखें, तो इसमें स्टॉप लॉस तो रखना है जो पहली कैंडल है 9:15 की, उसके लो पॉइंट को हम स्टॉप लॉस रखेंगे, ये ध्यान रखना। तो इसमें यह है, तो ये स्टॉक काफ़ी कम ही सर्च होकर आएगा, पर आपको अच्छा मुनाफा देगा, और ख़ासतौर पे ये मार्केट अगर बेरिश हो तो उसमें तो काफ़ी अच्छा आपको मुनाफा मिल जाएगा। ये ऐसा स्टॉक है, इसमें देखिए इस तरह से ये ग्रीन कैंडल जरूर बनती है इससे पहले, तो वही इसे कंफर्म करती है, उससे पहले वाली रेड और लास्ट वाली भी रेड ही बनती है, ये फिल्टर में ऐसा लगाया गया है। तीसरा स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों, ये
इसमें इसका लो पॉइंट मैं बताता हूँ, ये है प्रीवियस डे का लो, यहाँ पे आएगा तकरीबन, और ये 925 में सिग्नल मिला है, तो इसको भी इसने ब्रेक किया है। देखिए तो अब जो सिग्नल मिला उससे पहले ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद ये रेड कैंडल बनी शुरू की। तो इस पर हम ये तो इस पर हम ले लेते ट्रेड, तो यहाँ तक मिल जाता हमें प्रॉफिट। यहाँ पे लेते तकरीबन, ये हाई है 590, और यहाँ पे लेते हैं लो पे 587, ये 586 55 पे 2-3 रुपये का प्रॉफिट मिल जाता, काफ़ी अच्छा। पर ये बेरिश ट्रेंड में, जब मार्केट बेरिश हो तो उसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा देगा आपको, ये ऐसी स्ट्रेटजी है, सब कुछ फाइंड होके आता है। ये स्ट्रेटजी में है कि वन डे का जो पहला लो बना है, वन डे एक दिन पहले का जो लो है उसको भी ये क्रॉस करके नीचे आती है, और फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल है उसको भी क्रॉस करके नीचे आती है, इसमें यही स्ट्रेटेजी है। और इसमें वॉल्यूम को देखते हैं, हम वॉल्यूम को देखते हैं उसको, उसके बेस पे ये इसके अंदर फाइंड आउट करके आपको रिजल्ट बताता है। तो इसमें ये स्ट्रेटेजी है दोस्तों। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम कैसे फाइंड करेंगे, तो दोस्तों आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये चार्टिंग का सॉफ्टवेयर है, ये आपको फाइंड करके देगा रिजल्ट। मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप इसके लिंक के लिए प्लीज़ यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि मैं आपको उसका लिंक शेयर कर सकूं, उसके बेस पे आप अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है, और दोस्तों आप अगर इंटरडे प्लान लेना चाहते हैं कोटेक का, तो ले सकते हैं, ये इंटरडे फ्री प्लान है, इसमें आप मल्टीपल ट्रेड ले सकते हैं, और आपको ब्रोकरेज भी ज़ीरो जाएगी। अदरवाइज आप कोई और ब्रोकर यूज़ करेंगे तो उसमें इंटरडे चार्ज में ही ब्रोकरेज वगैरह ज़्यादा दे देंगे, तो उसमें मुनाफा ही कम कमाएंगे। इससे अच्छा कोटेक का प्लान लीजिए, इंटरडे फ्री प्लान, उसमें ट्रेड करिए, तो उसमें काफ़ी आपको प्रॉफिट में से ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। आज की वीडियो देखने दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू दोस्तों।